केंद्र सरकार ने महिला दिवस के मौके पर एलपीजी कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। घरेलू एलपीजी गैस की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कहा कि इससे देश के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा और विशेषकर नारी शक्ति का हित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रसोई गैस को अधिक सस्ता और सुलभ बनाकर सरकार परिवारों की मदद के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका जीवन आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 31 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके खातों में सीधे सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 12,000 करोड़ रुपए का होगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी एक साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। इस पे लगभग 12,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से व्यय अनुमानित है और इसके कारण हमारे उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को सस्ता 300 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। केंद्र ने 10,371 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय स्तर के व्यापक भारत एआई मिशन को भी स्वीकृति दी है। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से एआई नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये देश के लोगों के लिए अत्यधिक कुशल रोजगार के अवसर सृजित करेगा। भारत एआई मिशन भारत को विश्व के समक्ष अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा कि कैसे परिवर्तनकारी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग सामाजिक हित और इसके एआई मिशन प्रतिस्पर्धा के क्रियान्वयन बढ़ाने में किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त देने की भी स्वीकृति दी है। सरकार ने पहली जनवरी 2024 से मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन व पेंशन के 46% की मौजूदा दर पर 4% तक वृद्धि करने की स्वीकृति दी है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों को मिलाकर राजकोष पर वर्ष में 12,868 करोड़ का बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार के लगभग 49,18,000 कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2024-25 के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्वीकृति दी है। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024-25 के लिए प्रति क्विंटल 5,335 रुपए तक तय कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें प्रति क्विंटल 285 रुपए की वृद्धि की गई है।